गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम बात करेंगे, हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि कास्टर मीटर के अंदर जो लाइट्स होती है उन लाइटों के बारे में हमने बात किया था। तो आज हम बात करेंगे जो कास्टर मीटर के अंदर जो येलो कलर की जो इंजन चेक की लाइट आती है वो किन किन कारणों से आती है, उनके कारणों पर हमने बात किया था। आज हम बात करेंगे कि ये लाइट क्यों आती है, कौन कौन से, क्योंकि हमने कल आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि ये जो सेंसर्स होते हैं, सेंसरों के अंदर कोई एरर आ जाए या कोई खराब हो जाता है तब जाके नहीं कोई प्रॉब्लम आती है। अब आज हम बात करते हैं जो सेंसर्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे सेंसर होते हैं जिनकी वजह से लाइट आती है, और कार के अंदर कौन सा ऐसा सेंसर है जिसकी वजह से इंजन के अंदर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है या इंजन चलता रहता है। तो आज हम बात करेंगे IT सेंसर। कार के अंदर एक IAT सेंसर लगाया जाता है, वो सेंसर हमारे एयर फिल्टर के ऊपर लगा होता है। अभी जो हम देखते हैं कि जैसे लेटेस्ट गाड़ी आ रही है जिसके अंदर एक ही जगह IAT और MF सेंसर लगा होता है, लेकिन आप पेट्रोल कार के अंदर या पहली गाड़ी जो आई BS1 BS2 कार के अंदर देखते हैं तो IAT सेंसर अलग होता है, MF सेंसर अलग होता है। तो लेकिन अभी हम देखते हैं जितनी भी जैसे टाटा सफारी है और भी जितनी कार है उनके अंदर MAF सेंसर के अंदर ही इनबिल्ट होता है IAT सेंसर। तो आज हम बात करेंगे कि IAT सेंसर अगर ख़राब हो जाता है तो कार के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, कार के अंदर कौन सी लाइट आ जाती है, वो लाइट से हमारा IAT सेंसर ख़राब हो जाता है तो हम कार को चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो हम देखते हैं कि कार के अंदर एक IAT सेंसर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है या उसके अंदर कुछ एरर आ गए। जब हम कार को चला रहे होते हैं तो कार के अंदर ना क्या होता है, चलते चलते एक लाइट आ जाती है, उसे हम कहते हैं इंजन चेक लाइट या ECM की लाइट या हमारे जो है येलो कलर की लाइट होती है, वो हमारे जो क्लस्टर मीटर होता है जो हमारे जो ड्राइवर्स जो गाड़ी को चला रहा होता है उसको इंडिकेशंस करता है। जैसे वो लाइट अंदर आती है तो जो ओनर्स या ड्राइवर्स चला रहा होता है तो उसे पता लग जाता है कि कार के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाता है। तो वो फॉल्ट को बता देती है कि आपकी कार के अंदर इंजन के अंदर कुछ दिक्कत आई है, अब इस गाड़ी को वर्कशॉप में चेक कराना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा कि गाड़ी को होल्ड करके यानी कि रोकना तो नहीं है। तो सपोज कीजिए IAT सेंसर ख़राब हो जाता है तो कार के अंदर क्या होता है, कार के अंदर सबसे पहले आपकी लाइट आ जाती है, और कार के अंदर जब लाइट आ जाती है तो IAT सेंसर के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है। तो IAT सेंसर करता क्या है ये भी हम जान लेते हैं। IAT सेंसर एक क्या होता है, जो IAT यानी कि इंटेक एयर टेम्परेचर, जो इंटेक के अंदर जो हमारा हवा है, हवा का जो टेम्परेचर होता है उसको कैलकुलेट करता है, और कैलकुलेट करके नहीं ECM को इन्फॉर्मेशन डालता है। जब हमारे IAT सेंसर से इन्फॉर्मेशन आती है कि हमारे फ्यूल और हमारा एयर जो एयर की टेम्परेचर कितना है, तो उस अनुसार जो हमारा जो ECM है वो फ्यूल की क्वांटिटी को एडजस्ट करता है, यानी कि एक्चुएटरों को कितनी बार ऑन ऑफ करता है उसका काम करता है। जब तक IAT सेंसर से इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी कि एयर का टेम्परेचर क्या है तो हमारे ECM को नहीं पता लगेगा, और जब ECM को नहीं पता लगेगा तो फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर्स बनता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा, और कार के अंदर एक मिसिंग सी होना चालू हो जाएगा। जब कार के अंदर मिसिंग आना लग जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कार के अंदर कुछ एरर आ रहे हैं, यानी कि कुछ मिसिंग आ रही है, कार की जो परफॉर्मेंस है, वो चलाने का जो पिकअप्स है वो बहुत ही हमारा अलग डिफरेंट हो जाता है। जब आपका पिकअप में प्रॉब्लम आती है या गाड़ी सडन हम मिसिंग करना चालू कर देती है, एक्सीलेशन देने के बाद में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो लाइट आई है तो कार के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट हो गया। तो आपको क्या करना है, ये फॉल्ट अगर ऐसी लाइट आ जाती है तो सबसे पहले अगर कोई छोटा मोटा एयर आ गया है, अगर एरर आ गया है तो आपको क्या करना है, अगर आप घर पे हैं तो गाड़ी का एक बार बैटरी का तार हटा लीजिए और फिर स्टार्ट करके देखिए, 2 सेकंड या 3 मिनट, 1-2 मिनट के लिए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल्स हटा दीजिए और कार को फिर वापसी टाइट कर दिए टर्मिनल को, फिर स्टार्ट करके देखिए, अगर उसमें कोई एरर छोटा मोटा हुआ तो वो हट जाएगा, नहीं तो फिर आपको उसको वर्कशॉप ले जाके चेक कराना पड़ेगा। फिर वर्कशॉप में उसे चेक कराइए, नहीं तो आपकी कार के अंदर आगे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका एवरेज पे डिपेंड करता है, एवरेज बढ़ जाएगा, गाड़ी का एवरेज है ना
पेट्रोल कन्जम्पशन बढ़ जाएगा। पेट्रोल कन्जम्पशन बढ़ जाने से कार के अंदर दिक्कत आएगी, मिसिंग और जो है वो आपको महसूस हो जाएगा, लेकिन आपकी कार के अंदर कोई ऐसा चलने में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, कार कहीं पे खड़ी हो जाए। लेकिन अगली वीडियो में हम ये भी जानेंगे कौन से सेंसर है जिसकी वजह से कार हमारी चलती चलती बंद हो जाती है। अगर आप उस चीज़ को नहीं ध्यान देंगे तो आपकी कार बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो अभी हमने IAT सेंसर के बारे में बात करा कि IAT सेंसर जो हमारा लगा हुआ एयर फिल्टर के, यानी जहाँ पे हमारी थ्रोटल बॉडी होती है उससे पहले जहाँ से हवा आ रही है थ्रोटल बॉडी तक, उससे पहले आपको एक IAT सेंसर लगा मिलेगा। अगर मारुति कार के अंदर देखते हैं तो दो वायर का मिलता है, अगर और कारों में जैसे स्विफ्ट या किसी और कार के अंदर डीजल में जाते हैं तो उसमें MEF सेंसर यानी कि उसमें इनबिल्ड होता है IAT सेंसर, तो उसमें 5 वायर होती है जिसको आपको मैं अगली वीडियो में ये भी बता दूंगा MEF सेंसर कहाँ लगा होता है और वो MEF सेंसर क्या काम करता है। तो आज हमने आपको बताया कि IAT सेंसर जो होता है वो हमारे एयर टेम्परेचर को कैलकुलेट करके नहीं ईशियम को बताता है कि इंजन के अंदर इतने तापमान से एयर का स्पीड से जा रही है उसको कैलकुलेट, अगर वो इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएगा तो आपका इंजन की परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगी और आपका पेट्रोल कंजम्पशन बढ़ जाएगा और इंडिकेशन आपके क्लस्टर मीटर में वो लाइट आ जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे आगे के सेंसर।